चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम के मोरसी गांव में हरियाणा वीर शहीद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में विधायक सोमवीर सांगवान और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि इस गांव की अगर बात करें तो ये गर्व होता है कि भोंडसी एक ऐसा गांव है जहां हर परिवार से कई सदस्य सेना में रही हैं और देश की सेवा की है। उन्होंने कहा कि इस गांव से हजारों की संख्या में युवाओं ने लोगों के सेना में भर्ती होकर देश की सेवा में अहम योगदान दिया है। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि आजाद हिंद फौज में भी भोंडसी गांव से तकरीबन 10 से 12 स्वतंत्रता सेनानी रही हैं। तो फिलहाल गुरुग्राम के भोंडसी गांव में आयोजित किया गया है कार्यक्रम जहां पर सांसद कार्तिकेय शर्मा पहुंचे। उनकी तरफ से कहा गया भोंडसी आकर राष्ट्रप्रेम राष्ट्रभक्ति और बढ़ती है। आज हरियाणा शहीद दिवस समारोह जिसमें शामिल होने के लिए सांसद कार्तिकेय शर्मा पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त भी इस दौरान मौजूद रहे। विधायक सोमवीर सांगवान ने भी शिरकत की। गुरुग्राम के भोंडसी गांव में आयोजित किया गया ये कार्यक्रम। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने गुरुग्राम के भोंडसी गांव में शहीदों को नमन किया। पिछले साल सियाचिन में शहीद हुए 21 वर्षीय शहीद तरुण भारद्वाज को नमन किया। साथ ही शहीद कैलाश सिंह, खेम सिंह, कंवर सिंह को भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। शहीदों को नमन करते हुए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि भोंडसी ऐसा गांव है जहां शहीद स्मारक बना हुआ है, जहां आकर हमें अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्ति और बढ़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि भोंडसी गांव के लोगों में मैं हमेशा साथ रहूंगा, उनको कभी भी मेरी आवश्यकता होगी हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहूंगा। साथ ही कहा कि हरियाणा को तीन चीजों के लिए जाना जाता है, किसान, जवान और खिलाड़ी। खेत में किसान, बॉर्डर पर जवान और मैदान में खिलाड़ी पूरे देश और प्रदेश को मजबूत कर रही है। जब तरुण भारद्वाज जैसे शहीद जो भोंडसी गांव से आए थे, जब वो शहादत को उनको शहादत मिली 21 साल की उम्र में, तो मेरा मन इस बात को सोचने में मजबूर हो गया कि जब एक 21 साल का नौजवान अपनी भगवान को अपनी देश के प्रति प्यार के चलते शहादत देता है तो उसके परिवार पे क्या गुजरती है, उसके परिजनों पे क्या गुजरती है। वह तो अपना काम कर गया अपने देश के प्रति, पर जो उसके परिजन हैं, जो उसकी माता पिता भाई बहन जो परिवार को पीछे छोड़ गया, उन लोगों पे क्या हालत होती है। तो मैं मानता हूं कि ऐसे वीरों की, ऐसे हीरोज की हमारे समाज के प्रति एक श्रद्धा, निष्ठा और हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके परिवार, उनके परिजनों के प्रति संवेदनशील भी हों और उनका ख्याल रखें, उनका ध्यान रखें। हमारी जितनी भी देश की जब भी जरूरत पड़ी, चाहे वो 62 की के युद्ध में हो, 65 या 71 की युद्ध में हो, तो हजारों की संख्या में आज तक हमारे भोंडसी गांव से वीर हमारी सेना में कार्यरत रहे और उन्होंने देश की रक्षा का काम किया। कि जिस भारत की परिकल्पना आज से 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, आज उन्हीं के पदचिन्हों पर भारत आगे बढ़ रहा है। और इसमें अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो हमारे फौजी साथियों का है। तरुण भारद्वाज जी के नाम पर एक अस्पताल बनना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में पहले भी चर्चा करके जा चुके हैं। मैं आज इस मंच से आश्वासन देता हूं आप लोगों को कि एक सांसद के तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है वो भी और जो मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर वो भी, हर तरीके से मैं प्रयास करूंगा कि यहां पर अस्पताल बने और आपकी डिमांड माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा।
वहीं कार्तिकेय शर्मा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की गई। उनकी तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्तव्य में ही आज देश पूरी तरीके से सुरक्षित है। सुनिए, पिछले 8 साल के अंदर हमारे को आंतरिक और सीमा पार सुरक्षा के अंदर बहुत कामयाबी हासिल हुई। इसी के नतीजा है, ऐसी नीतियों का ही नतीजा है कि आज हमारे को ये नहीं सुनने मिलता कि यहां बम ब्लास्ट हो गया, वहां आतंकी हमला हो गया, कहीं सीमा पर ऐसा प्रहार हो गया। ये उनकी सक्षम सोच और नीतियों की वजह से है कि हमारे को आंतरिक तौर पर और हमारे दुश्मनों को, देश के दुश्मनों को, हर ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए, ऐसा इंतजाम करने के लिए कि हम लोग उन नीतियों की वजह से आज अपने आप को देश में के अंदर और बाहर सुरक्षित पाते हैं। ठीक है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा भी कार्तिकेय शर्मा की तरफ से दिया गया। और क्या कुछ कहा, सुनिए। देश सकारात्मक सोच पे बढ़ता है, जिसमें हम 36 बिरादरी को, सारे समाजों को साथ लेके बढ़ने का काम करें। जैसे हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं, एक हरियाणा एक हरियाणवी, उसी के मूल मंत्र पे आगे बढ़ने के मैसेज को मैं समाज के बीच रखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।